हेलो गाइस, तो मेरा नाम है बख्शीश क्राफ्टशीट अपडेट से। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर। तो आज हम बनाने वाले हैं हमारा कुकू साइड पोस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के चैनल पर देखा होगा, पर ज़्यादातर इसका शॉर्ट ही डाला गया है। तो आज हम इसको पूरा बताएंगे हाउ टू ड्रॉ कुकू साइड पोस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हमें कितनी वो ले लेनी है हाइट, अगर आप A4 पर बना रहे हैं तो इतनी ले लेना। मैं A3 पर बना रहा हूँ तो मैं इतनी लूँगा। इतनी लेने के बाद फिर इसको ऐसे लंबा लेकर जाना है। लंबा लेकर जाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर पीछे का पार्ट सारा इरेज हो जाएगा। मैं 2 मिनट इरेजर रिफिल कर लूँ। तो इरेजर मैं यहाँ पर अपनी डॉम्स टू की यूज़ कर रहा हूँ, आप जौन सी करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और पेंसिल तो मैं सैलो की ही यूज़ करता हूँ, या फिर हमारी पहले मेरी फेवरेट रह चुकी कैमलिन की एक पेंसिल है। और आपने फिर यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद फिर एक ऐसा नीचे भी लेकर आना है, फिर यहाँ से ऐसे कर्व लेकर जाकर फिर इसको नीचे को ऐसे कर्व ला जाना है। ये भी आप कर लेंगे। फिर इसके नीचे एक ऐसे बना रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ देना है, इसमें कोई इरेज नहीं करना है। फिर एक ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे नापते जाना है कर्व से। तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद हम इसका हाफ लेना है, इस लाइन का जो यहाँ पे कर्व और यहाँ तक का हाफ, यहाँ पर या फिर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे कर्व लेकर जाना है, ये भी आप ले कर जा सकते हैं। फिर इसको ऐसे नीचे को मोड़ देना है, फिर ऐसे इसको ऐसे कर्व लेकर जाना है, ऐसे नहीं करना है, बस इसको पूरा स्ट्रेट लेने देना है। पूरा ये बन गया है। तो ये कोकू का नीचे का जो उसके कपड़े हैं वो बन चुके हैं, उसके वस्त्र, हिंदी में शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ गाइस, आप भी सीख लीजिए। तो जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया था वहीं पर ऐसे एक टेढ़ी लाइन लगानी है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमें यहाँ से कर देना है और फिर यहाँ तक, ये देख सकते हैं इसके हाफ से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही ऊपर है, यहाँ से लेकर यहाँ की ऐसे हाइट में आपका हल्का सा नीचे को इसके साथ जोड़ देना है, बस हल्का सा ऐसे कर्व होगा, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद फिर हमें इसके ऐसे लेकर जाना है, इसको ऐसे नीचे लेकर जाना है, फिर उसके ऐसे जॉ लाइन को ऐसे बनाएंगे हम नीचे को थोड़ा सा ऐसे करके, फिर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। उससे पहले हमें यहाँ से लेकर ऐसे नीचे को जोड़ देते हैं हम पहले, ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद फिर हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देना है, ये भी हम कर लेंगे, ये भी इजी ही है। पर इसी को जोड़ने के लिए पहले हमें यहाँ से एक हल्का सा कर्व लेकर जाना है, हल्का ही, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो। फिर हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना और एक थोड़ा सा ऐसे जहाँ पर कर्व से थोड़ा सा नीचे, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। थोड़ा लाइट पेंसिल चलाना, मैं डार्क चला रहा हूँ क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर शेडिंग भी करनी है। तो ये कलरिंग तो होगी नहीं इसमें, हम विदाउट कलरिंग ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ऐसे फाइल रेडी कर दी, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया। और फिर हमें ऐसे लगाना है एक, ये भी हम लगा देंगे, ये भी इजी है। उसके बाद हमें एक ऐसे लेकर जाना है, इसे थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा यह है, हाँ बस इसको ऐसे ही उठाना है। उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन, यहाँ पर एक ऐसे नीचे को, ये अब उसकी नोज बनानी स्टार्ट कर दी हमने। फिर यहाँ पर एक आर्क लगा लीजिए ऐसे कर्व वाली, फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये भी हम जोड़ लेंगे, ये भी इजी है। उसके बाद हमें इसको ऐसे आगे को लेकर बस थोड़ा सा लेकर जाना है, फिर इसको ऐसे कर्व कर देना है, ये भी कर लेंगे। अब यहाँ से जो ऐसे नीचे को ये जा रही है उसके सामने हमें एक ऐसे लाइन लगानी है, फिर इसको ऐसे कर्व करेंगे और एक
ऐसे सीधी लाइन बने लेंगे। इस कर्व को भी हमें एक आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा देख लेना बस, इतना रह जाए, इतनी लंबी होनी चाहिए, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे। मुझे पता है मेरी आर्मी इतनी भी ज़्यादा वीक तो नहीं है जो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगी। तो बस फिर हमने इसकी आईब्रो तो बना दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व से थोड़ा सा गैप लेकर एक ऐसा नीचे को लेकर आनी है, फिर इसको ऐसे लेकर जाना है, इससे थोड़ा सा पीछे रखना, फिर यहाँ पर डॉट लगा देंगे इससे थोड़ा सा पीछे लाकर, और फिर वो तो फिर एक ऐसे लगा देनी है, ये हो जाएगी। फिर इसके अंदर हमें एक ऐसे और एक ऐसे, फिर हम इसको रिफिल कर देंगे, इन दोनों कर्व्स में से एक छोटे वाले कर्व को रिफिल कर देना है। आप थोड़ा सा कर्व इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैंने छोटा बनाया क्योंकि मुझे छोटा अच्छा लग रहा था। और फिर हमने यहाँ पर जो कर्व है ये वाला, इससे यहाँ पर नीचे को एक ऐसे लेकर आना है, ज़्यादा नीचे नहीं, बस इसके ये देखना है ये सीध में होना चाहिए ये, और फिर इसको इतना ऊपर लेकर जाना है, और फिर इसमें एक लाइन ऐसे और एक ऐसे, इसके बाल हैं ये। अभी हम एक ही बाल बनाएंगे, उसके बाद बाकी का बनाएंगे। और जो हमने शुरुआत में यहाँ तक इसकी नेक का लेकर आए थे, तो पहले यहाँ पर एक ऐसे कर्व लगा देना है, ये अब उसका ईयर बन रहा है, कान बन रहा है उसका, और फिर इसको ऐसे कर्व लेकर यहाँ तक देख सकते हैं इतनी हाइट तक कर्व ही लेकर आना है। एक ऐसे फिर हमें ऐसे कर देना है, फिर इसको तो ऐसे ही बस ऐसे ही जाने देना है, ये भी कर लेंगे हम, ये भी इजी है। फिर उसके बाद हमें एक सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे लगानी है, और फिर हमें फिर से एक ऐसे कर्व कर देना है, ये भी हम कर लेंगे, फिर हमें एक ऐसे कर लेना है। ये तो इसका काम कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा चौड़ा बना दिया, आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जो आपने करना है। फिर हमें एक ऐसे लेकर इसको ऐसे लेकर जाना है, ये यहाँ से थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ, हाँ ऐसे लेकर जाना है, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका बाल ही बन रहा है। फिर हमें यहाँ से इसको ऊपर को लेकर जाना है, बस इससे थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। फिर जो हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ से इसके ऊपर से एक ऐसे लेकर इसको थोड़ा सा कर्व करना है, फिर इसको स्ट्रेट कर देना है। फिर इसको कर्व जाने देना है, इसको कर्व कंटिन्यू ही रखना है यहाँ तक, अंदाजा लगा लेना बस, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा ही ऊपर। फिर उसके बाद हमें एक ऐसे कर्व लेकर जाना है, फिर इस कर्व को ऐसे स्टेट में बदल देंगे हम, फिर हमें एक ऐसे यहाँ तक कर्व लेकर आना है, ये भी कर लेंगे हम, लेट्स इजी। इसको हमें थोड़ा सा बहुत मतलब ऐसे लंबा लेकर जाना है, ये भी हम कर लेंगे। और हमने यहाँ पर बस जो ये बनाया था यहाँ पर एक ऐसे करके करना है, और फिर एक ऐसे और एक ऐसे कर देना है, जितने ज़्यादा ऐसे लाइनें मारेंगे उतना ज़्यादा हमारे ये सुंदर लगेगा, ऐसे बस करते रहना है। और एक लाइन यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, ये हो गया हमारा, ये अभी थोड़ा सा लड़की की तरह लग रहा है, इसके अभी बाकी के बाल बनाते हैं, बिल्कुल सही लगेगा ये। तो ये जो हमें यहाँ पर हमने छोड़ा था, इसके यहाँ से लेकर जाना है कर्व, पहले तो ऐसे लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद सीधी लाइन लगा सकते, हल्की सीधी मतलब हल्का सा कर्व रहेगा इसमें, कहने का मतलब ये है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हमें जहाँ पर इसको छोड़ा होगा उसके उसको ऐसे नीचे लेकर आना है, इतना बस इसमें इतना गैप रहना चाहिए, फिर उसके बाद इसको ऐसे जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद फिर हमें इसको ऐसे कर देंगे, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी इजी है।
और करने के बाद हमें इससे थोड़ा सा नीचे आगे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। स्ट्रेट लाइन किस कर्व लगाएं, इसका मतलब ये यूजलेस कह सकते हैं, यूजलेस लाइन ही है ड्राइंग की। फिर यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन लगाकर इसको ऐसे कर देना है। इसको आप थोड़ा से इस वाली लाइन को छोटा रख के नीचे को भी लेकर जा सकते हैं, पर मैं लंबाई रखूँगा, मुझे लंबा अच्छा लग रहा है। ये उसकी एक और स्पाइक हो गई है, और स्पाइक को कंप्लीट कर देते हैं पूरा पहले नीचे में ऐसे। ये भी हो गई, और फिर बाकी स्पाइक्स में भी हम थोड़ी सी जान डाल देते हैं हमारी। इस वाली में ये आप कम भी लगा सकते हैं, मैंने ऐड ही की है अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा सा एम्प्टी एरिया, एक यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद हमें ऊपर को और एक ऐसे नीचे को और एक इन दोनों के बीच में ऐसे लगा रहे हैं। और जो हमने यहाँ पर थोड़ा था कान, कान के यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा नीचे को लेकर आके एक ऐसे भी बनाना है, ये भी हम बना लेंगे। ये वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी ये जैसे कि मैंने गूगल से ही मैं निकाल लिया, वहाँ पर ऐसा ही है ये, तो मैंने कहा लगा ही देते हैं। फिर और ऐसा ऐसा कर दिया, फिर एक ऐसी नीचे को लेकर आना है। फिर हमें यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है, इसको आप छोटा कर देना, मैं रेस कर दूँ इसको। यहाँ से ऐसे कर, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे लेकर जाकर, फिर हमें यहाँ से इतना गैप लेकर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक ऐसे, बस ऐसे करना है। फिर एक नीचे को ऐसे कर देना है। ये हमारी ड्राइंग बस कंप्लीट हो गई है। तो यही थी हमारी ड्राइंग, पर अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें इसमें शेडिंग करनी बाकी है। और शेडिंग के साथ साथ हमें एक और चीज़ भी करनी है, वो है इसके नीचे, ये भी आप ऐड जरूर कर देना है। और इसके बाद हमें हल्की हल्की यहाँ पे शेडिंग करनी है, फिर उसे समझ कर देंगे। और किस शेडिंग, फिर हमें कान में शेडिंग करनी है, मतलब ये हमें ज़्यादा पूरा स्केच टाइप नहीं बनाना है, बस हल्की हल्की शेडिंग जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ वहाँ पर ही करेंगे। एक यहाँ पे कर दी, और एक नाक में भी कर देंगे। और फिर इसके नीचे भी, डार्क कर देंगे हम इसे। डार्क करने के बाद हमें फिर से पेंसिल लेनी है। पेंसिल मैं डॉम्स की स्पीरियो यूज़ करता हूँ, ये अच्छी पेंसिल है। और मेरे पास इसका पूरा सेट है, तो मेरे पास एक ये पेंसिल इरेजर भी है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ अपने ड्रॉइंग्स में। तो मैं ये मटेरियल इसलिए बताता रहता हूँ कि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करता हूँ। वैसे मैंने ये सब, मेरा जो टच कूल वगैरह वगैरह, ये मेरा सब नया मटेरियल था। मैंने इसकी लॉन्ग वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग की, पर वो मैंने डाली नहीं, क्योंकि फिर मैंने शॉर्ट्स ही कंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, अब क्या फ़ायदा, क्योंकि मैंने 2-4 दिन ऐसे ही चैनल को छोड़ दिया था, मैं बिजी था। जो अब एक्स्ट्रा शेडिंग बाहर को आई हुई है उसको इरेज कर देंगे। ऐसा करने के बाद बस हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, अगर आप स्पाइक्स के साथ साथ हल्की हल्की शेडिंग करना चाहें ऐसे ऐसे, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगा। पर मुझे अभी ऐसे ही ठीक लग रहा है, मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूंगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ड्राइंग, ज़रूर बताना, कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।